अरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, माता के नवरात्रे आ रहे हैं, तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि माता का वाहन क्या है, इस बार माता किस वाहन पर सवार होकर आ रही हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल के साथ। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च से हो रही है, जो कि 30 मार्च तक रहेगी। 30 तारीख को ही रामनवमी भी मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में नवरात्रि को बेहद पवित्र माना गया है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इन 9 दिनों में माता रानी पूजा अर्चना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस बार की चैत्र नवरात्रि को बेहद ही खास माना जा रहा है, क्योंकि ये पूरे 9 दिन होगी। इस साल 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक नवरात्रि है और 31 मार्च को दशमी के दिन पारण होगा। शास्त्रों के अनुसार पूरे 9 दिन की नवरात्रि शुभ मानी जाती है। इसके अलावा इस बार माँ दुर्गा का आगमन नाव यानी नौका पर हो रहा है, यह भी एक प्रकार का शुभ संकेत है। ऐसे में चलिए जानते हैं नौका की सवारी का क्या मतलब होता है। माता की सवारी, वैसे तो माँ दुर्गा सिंह की सवारी करती हैं, लेकिन नवरात्रि के पावन दिनों में धरती पर आते समय उनकी सवारी बदल जाती है। माँ जगदम्बे की सवारी नवरात्रि के प्रारंभ होने वाले दिन पर निर्भर करती है। नवरात्रि का प्रारंभ जिस दिन होता है, उस दिन के आधार पर उनकी सवारी तय होती है। ठीक इसी प्रकार से वह जिस दिन विदा होती हैं, उस दिन के आधार पर प्रस्थान की सवारी तय होती है। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के आगमन की सवारी क्या है, जानेंगे। इस साल चैत्र नवरात्रि 22 मार्च 2023 बुधवार से शुरू हो रही है। वही यदि बुधवार से नवरात्रि शुरू होती है तो माता का आगमन नाव पर होता है। माँ जगदम्बे का नौका यानी नाव पर आगमन शुभ माना जाता है। नाव पर सवार होकर माता जब भी आती हैं, तब अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती हैं और सभी कष्ट हर लेती हैं। माँ दुर्गा के प्रस्थान की सवारी क्या है, वो भी जानेंगे। जब माता विदा होंगी, 31 मार्च दिन शुक्रवार को दशमी है, इस दिन माता प्रस्थान करेंगी। वही जब बुधवार और शुक्रवार को नवरात्रि समाप्त होती है, तो माँ की वापसी हाथी पर होती है, जो अधिक बरसात को और संकेत करता है। माँ दुर्गा के कौन कौन से वाहन हैं, ये भी जानेंगे। अलग अलग वार के अनुसार नवरात्रि में माँ जगदम्बे की के वाहन डोली, नाव, घोड़ा, भैंसा, मनुष्य व हाथी होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।